हेलो गाइस, दिस इज़ दीपक सिन्हा हेयर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं रॉयल्टी अकाउंट, स्टेट वर्किंग अकाउंट एंड लैंडलॉर्ड अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे अ माइन इज टेकन ऑन लीज एट अ मिनिमम रेंट ऑफ ₹10,000 पर एनम। एक माइन लिया जा रहा है लीज पर, जिसका मिनिमम रेंट दिया हुआ है 10,000 पर एनम, यानी हर साल आपका मिनिमम रेंट होगा ₹10,000। ठीक है। मर्जिंग इन टू अ रॉयल्टी ऑफ ₹1 पर टन। रॉयल्टी बताया जा रहा है ₹1 पर टन, यानी हर टन का रॉयल्टी आपका ₹1 रहेगा। ठीक है। ऑफ द ऑर रेज्ड, ठीक है, ऑर का मतलब होता है कच्ची धातु। ठीक है। विथ अ राइट ऑफ रिक्यूप स्टेट वर्किंग्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ईयर्स ऑफ द लीज। यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्टेट वर्किंग्स का जो रिक्वायरमेंट करेंगे फर्स्ट 3 ईयर्स ऑफ द लीज, यानी कि फर्स्ट से 3 साल का हम लोग रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट 3 ईयर्स यानी शुरुआत से 3 साल का हम लोग रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। द रेजिंग फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स वर, तो देखिए 5 सालों का यहाँ पे प्रोडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन हुआ था 2,000 टन का, सेकेंड ईयर में 5,000 टन का, थर्ड ईयर में 15,000 टन का प्रोडक्शन एंड फोर्थ ईयर में 18,000 टन का प्रोडक्शन, फिफ्थ ईयर में 20,000 टन का प्रोडक्शन। ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ लिखा है राइट अप द लेजर अकाउंट्स फॉर रॉयल्टी स्टेट वर्किंग एंड द लैंडलॉर्ड बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको क्या बनाने के लिए बोला गया, यहाँ पे लेजर अकाउंट्स किसका, रॉयल्टी का, स्टेट वर्किंग एंड लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाना आपको। ठीक है। देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पे और बताना चाहता हूँ, जैसे यहाँ तो लिख दिया है राइट ऑफ द लेजर अकाउंट है ना, रॉयल्टी, स्टेट वर्किंग एंड लैंडलॉर्ड अकाउंट, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा, लिख देगा प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ लेसी, या फिर लिख देगा शो द नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ लेसी। तो समझ जाइएगा कि आपको क्या बनाना है, रॉयल्टी अकाउंट ही, स्टेट वर्किंग अकाउंट एंड लैंडलॉर्ड अकाउंट ही आपको बनाना है। ठीक है। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग क्या बनाएंगे, एनालिटिकल टेबल। मैं पहले से यहाँ पे बना के रखा हूँ, सॉल्व करके रखा हूँ, क्योंकि इस वीडियो का मकसद ये नहीं बताना है। दरअसल बहुत से रिक्वेस्ट आया था बताने के लिए कि स्टेट वर्किंग अकाउंट बताइए, रॉयल्टी अकाउंट बताइए और लैंडलॉर्ड अकाउंट बताइए किस तरह से बनता है। तो इसलिए मैं पहले से एनालिटिकल टेबल बना के रखा हूँ, ताकि इसमें कुछ ज़्यादा समय ना लगे, क्योंकि हम लोग का फोकस्ड इस वीडियो में सिर्फ सिर्फ रॉयल्टी अकाउंट और स्टेट वर्किंग अकाउंट एंड लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाना है। ठीक है। तो जल्दी से इसको हम लोग पहले समअप कर लेते हैं, तब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रॉयल्टी अकाउंट कैसे बनता है, स्टेट वर्किंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है एंड लैंडलॉर्ड अकाउंट कैसे बनाया जाता है। ठीक है। आपको मालूम है कॉलम कौन कौन होंगे, यहाँ पे ईयर, आउटपुट, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, स्टेट वर्किंग सरप्लस, स्टेट वर्किंग इक्विपमेंट, अनरिक्विप्ड स्टेट वर्किंग टू पीएल अकाउंट और लास्ट में होगा कॉलम पेमेंट टू लैंडलॉर्ड का। ठीक है। इस चीज़ तो मैंने ऑलरेडी पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, बहुत सारे वीडियो मैंने बताया रॉयल्टी का, मैं बना चुका हूँ, तो उसमें मैं बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी किया हूँ किस तरह से बनता है टेबल। यदि आपको नहीं आता है तो आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, और मैं वीडियो का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, क्योंकि वहाँ पर आपने देखा था यहाँ पे ईयर कौन कौन थे, यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उसी तरह से मैं यहाँ पर ईयर दे दिया हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है। फिर आउटपुट यहाँ पे लिखना है, यानी कितने ईयर में कौन सा आउटपुट होता है, ये वाला 2000, 5000, 15000 जो लिखा वो आउटपुट मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट रॉयल्टी कॉलम, यानी रॉयल्टी कितना था, अब देखे थे ₹1 पर टन, यानी एक टन का रॉयल्टी ₹1 है, तो बताइए जब 2000 टन का रॉयल्टी कितना होगा, ₹2000, तो यहाँ 2000 लिख दिए। फिर 5000 टन का रॉयल्टी ₹5000, 15000 टन का रॉयल्टी ₹15000, उस तरह से मैंने सब लिख दिया हूँ। नेक्स्ट कॉलम है मिनिमम रेंट, मिनिमम रेंट अब देखिए यहाँ पे मिनिमम रेंट कितना दिया गया था, 10,000 पर एनम, यानी हर साल आपका मिनिमम रेंट कितना देगा, ₹10,000 रहेगा, यानी हर साल, तो सभी ईयर में मैंने 10,000 मिनिमम रेंट लिख दिया हूँ। ठीक है। सभी ईयर में। नेक्स्ट है स्टेट वर्किंग, आपको मालूम होगा कि जब मिनिमम रेंट अधिक रहेगा रॉयल्टी से तो क्या होगी, स्टेट वर्किंग होगी। ठीक है। और जब रॉयल्टी अधिक होगा मिनिमम रेंट से तो सरप्लस होगी। ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे रॉयल्टी कितना है, 2000, मिनिमम रेंट कितना है, 10,000, अधिक कौन हो गया, मिनिमम रेंट, जब मिनिमम रेंट अधिक हो गया रॉयल्टी से इसका मतलब स्टेट वर्किंग होगी, है ना, तो दोनों का जो डिफरेंस है चल जाएगी स्टेट वर्किंग में। ठीक है। तो 10,000 और 2000 का डिफरेंस कितना, 8,000 का, तो 8,000 चल गई स्टेट वर्किंग में। ठीक है। अब यहाँ देखिए रॉयल्टी के सेकेंड ईयर में देखिए रॉयल्टी कितनी है, 5,000 एंड मिनिमम रेंट 10,000 है, तो फिर से अधिक आपका मिनिमम रेंट ही है, तो इसका मतलब फिर स्टेट वर्किंग होगी, दोनों का डिफरेंस 10,000 और 5,000 का डिफरेंस कितना होगा, 5,000 का, तो स्टेट वर्किंग में डालूंगा 5,000।
देखिए थर्ड ईयर में रॉयल्टी कितना है 15,000, मिनिमम रेंट कितना है 10,000। देखिए अब अधिक होगी यहाँ पे रॉयल्टी, जब रॉयल्टी अधिक हो गई मिनिमम रेंट से, इसका मतलब सरप्लस अमाउंट होगी, है ना। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा कहाँ चल जाएगी, सरप्लस में। तो 15,000 और 10,000 का डिफरेंस कितना होगा, 5,000 का। तो मैं 5,000 यहाँ लिख दिया हूँ, ठीक है। इसी तरह से चेक करके आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। आगे देखिए कॉलम है शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटमेंट की। अब देखिए अब शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटमेंट करेंगे तो आपको मालूम होगा शॉर्ट वर्किंग का रिक्रूटमेंट कब कर पाएंगे, जब सरप्लस अमाउंट होगी हम लोग के पास, ठीक है। जब सरप्लस अमाउंट होगी तब शॉर्ट वर्किंग का रिक्रूटमेंट हो पाएगी। तो देखिए यहाँ पे कुछ लिखा गया था क्वेश्चंस में रिक्रूटमेंट करने के बारे में, तो लिखा गया द फर्स्ट थ्री ईयर्स ऑफ द लीज, जो शॉर्ट वर्किंग का जो रिक्रूटमेंट करेंगे फर्स्ट थ्री ईयर्स का करेंगे, यानी शुरुआत से 3 साल का। तो देखिए शुरुआत से 3 साल कहाँ पे है, देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, शुरुआत से 3 साल का 1, 2, 3 एंड थर्ड ईयर तक हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। थर्ड ईयर तक है ना, यहाँ पर तो यहाँ आप लोग देखेंगे, देखिए 3 साल में देखिए शॉर्ट वर्किंग कितनी हुई है, 8,000, 5,000 सेकेंड ईयर में, और थर्ड ईयर में 5,000 सरप्लस है, यानी देखिए सरप्लस अमाउंट है 3 साल के अंदर, क्यों 3 साल का करना हम लोग को, है ना। तो 3 सालों के अंदर हम चेक करें सरप्लस अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब शॉर्ट वर्किंग रिकमेंड कर पाएंगे। देखिए आप कैसे करते हैं, यहाँ पे 8,000 है शॉर्ट वर्किंग, तो जोड़ लीजिए पूरा, है ना, 8 + 5 है, हम लोग 3 साल का लगातार करना है ना, 1, 2, 3 फर्स्ट थ्री ईयर्स से लिखा ना यहाँ पे, फर्स्ट थ्री ईयर्स यानी 3 साल का हम लोग लगातार करना है, कर लेते हैं 1, 2, 3 जोड़ लेते हैं इसमें, 8 + 5 8,000 + 5,000 13,000। अब देखिए 13,000 आपका क्या है, शॉर्ट वर्किंग है, आपका सरप्लस कितना है 5,000, तो आपके पास जितना सरप्लस है उतना ही रिकमेंड कर पाएंगे। तो 5,000 है मेरे पास सरप्लस, तो 5,000 को रिकमेंड कर लेते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दी 5,000, ठीक है, कि 5,000 मेरे पास सरप्लस अमाउंट है ना, तो 5,000 का रिकमेंड कर पाएंगे, तो 5,000 हम लिख दी। अब देखिए 13,000 हम लोग के पास है शॉर्ट वर्किंग, और रिकमेंड कितना किए 5,000, यानी 13,000 में 5,000 हम लोग रिकमेंड कर लिए, कितना बचा 8,000, है ना। तो 8,000 कहाँ चल जाएगी, अनरिकुप्ड, एक कॉलम है यहाँ पे अनरिकुप्ड शॉर्ट वर्किंग टू पीएल अकाउंट, क्योंकि ये शॉर्ट वर्किंग जो है 8,000 का रिकमेंड नहीं कर पाए, तो क्या कहलाएगी अनरिकुप्ड शॉर्ट वर्किंग कहलाएगी। तो इसलिए यहाँ पे उसी ईयर में थर्ड ईयर में, है ना, उसी ईयर में हम लोग क्या करेंगे 8,000 rupees हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, क्लियर। अब आगे देखते हैं, अब बोलिएगा देखिए यहाँ फर्स्ट थ्री ईयर्स था ना, तो हम लोग सिर्फ 3 साल का देखें, बाकी फोर्थ फिफ्थ कुछ भी रहेगा उसका कुछ भी नहीं करना है। तो करेंगे क्या, बस ऐसे ही डैश लाइन खींच के छोड़ देंगे, कुछ भी इसमें करना नहीं है, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन बोला गया रिक्रूटमेंट इन, देखिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट इन फर्स्ट थ्री ईयर्स, यानी फर्स्ट से 3 साल का हम लोग रिक्रूटमेंट करना है, तो मतलब हम लोग 3 साल का ही देखेंगे, बाकी ये कुछ भी नहीं करना है, क्लियर। यहाँ तक तो हो गया, अब आता है एक लास्ट कॉलम है पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। अब पेमेंट कैसे करेंगे लैंडलॉर्ड को, तो मैं आपको बता देता हूँ, मिनिमम रेंट और रॉयल्टी में जो भी अमाउंट अधिक रहेगा वही अमाउंट चल जाएगी पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में देखिए, फर्स्ट ईयर में देखते हैं तो फर्स्ट ईयर में देखिए रॉयल्टी कितना है 2,000, मिनिमम रेंट कितना 10,000। हम क्या बोले, रॉयल्टी और मिनिमम रेंट में जो अमाउंट अधिक रहेगी वही अमाउंट चल जाएगी पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में। तो अधिक कौन है, मिनिमम रेंट अधिक है ना 10,000, यही अमाउंट ज़्यादा है, तो यही अमाउंट चल जाएगी पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में, ठीक है। सेकेंड ईयर में देखिए रॉयल्टी कितना है 5,000, मिनिमम रेंट कितना है 10,000, अधिक कौन है, मिनिमम रेंट है, तो फिर यही अमाउंट चल जाएगी आपका कहाँ, पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में, ठीक है। देखिए थर्ड ईयर में रॉयल्टी कितना है 15,000, मिनिमम रेंट कितना है 10,000, अधिक कौन है, रॉयल्टी अधिक है, तो जो भी अधिक रहेगा वही अमाउंट चल जाएगी, तो यहाँ अधिक है कौन है, रॉयल्टी, तो 15,000। तो क्या 15,000 ट्रांसफर कर दें पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में, नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि थर्ड ईयर में 15,000 तो आपको लग रहा है कि 15,000 तो बड़ा है, तो 15,000 ही हमको ट्रांसफर कर देना चाहिए पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि इस ईयर में ध्यान दीजिएगा थर्ड ईयर में हम लोग शॉर्ट वर्किंग का रिक्रूटमेंट भी किए हैं, है ना। देखिए यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग का रिक्रूटमेंट भी तो हुआ है, तो ये अमाउंट क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके ट्रांसफर करेंगे, ये पेमेंट टू लैंडलॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो 15,000 हमको ट्रांसफर करना चाहिए, पर 15,000 नहीं होगा, क्या होगा, 15,000 में जो रिक्रूटमेंट किए हैं ना शॉर्ट वर्किंग का, वो अमाउंट को घटा लेंगे, तो 15,000 में हम लोग 5,000 घटा लेते हैं, तो क्या आएगा 10,000, तो 10,000 अब हम लोग ट्रांसफर करेंगे पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि जिस ईयर में शॉर्ट वर्किंग का रिक्रूटमेंट होता है ना, उस अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करके हम लोग पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में अमाउंट सेंड करते हैं, क्लियर। फोर्थ ईयर देख लीजिए रॉयल्टी कितना 18,000, मिनिमम रेंट कितना 10,000, अधिक कौन है, रॉयल्टी है, है ना, 18,000 है, तो ये ट्रांसफर हो जाएगी 18,000। देखिए यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया 18,000 का हम लोग ट्रांसफर कर दिया 18,000, है ना, कि इस ईयर में कुछ हुआ ही नहीं है, है ना, शॉर्ट वर्किंग का रिक्रूटमेंट कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ किया ही नहीं इसमें, ठीक है। तो 18,000 है, तो 18,000 हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए। लास्ट देखिए फिफ्थ ईयर में क्या है, रॉयल्टी आपका 20,000, मिनिमम रेंट कितना 10,000, रॉयल्टी अधिक है, फिर से 20,000, यही अमाउंट चल जाएगी ट्रांसफर का पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में,
क्लियर। देखिए आपका क्लियर हो गया एनालिटिकल टेबल, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट एंड रॉयल्टी अकाउंट, ठीक है। देखिए गाइस मैं रॉयल्टी अकाउंट बनाने के लिए मैं फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया हूँ, ठीक है। देखिए इसमें कौन कौन कॉलम होते हैं, ईयर पार्टिकुलर्स अमाउंट, ईयर पार्टिकुलर्स अमाउंट, इस साइड डेबिट रहेगा और इस साइड क्रेडिट रहेगा, ठीक है। आपको मालूम है डेबिट साइड में क्या करेंगे, टी ओ टू का इस्तेमाल करेंगे और क्रेडिट साइड में बी वाई बाय का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर कुछ आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखिए रॉयल्टी अकाउंट में आपको तीन केस देखने को मिलता है जनरली। पहला मिनिमम रेंट और रॉयल्टी में आपका मिनिमम रेंट बड़ा होगा, ठीक। दूसरा मिनिमम रेंट और रॉयल्टी में आपका रॉयल्टी बड़ा होगा, ठीक। तीसरा में मिनिमम रेंट और रॉयल्टी दोनों इक्वल होगा, ठीक है। तो तीनों केस में हर साल आपका तीन तीन जनरेटर्स जनरली पास करते हैं, जनरली तीन जनरेटर्स पास होता है, ठीक है। तीनों हर साल के में, यानी कि आपको तीन केस मिला और हर एक केस के हर एक ईयर में जितने भी साल होंगे सब में आपका जनरली तीन जनरेटर्स पास होंगे, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ जनरल एंट्रीज, ठीक है। तीन तीन जनरल एंट्रीज पास होंगे। तो रॉयल्टी अकाउंट बनाने से पहले आपको अच्छी तरह से जनरल एंट्रीज आपको मालूम होना चाहिए रॉयल्टी अकाउंट चैप्टर का, ठीक है। क्योंकि रॉयल्टी अकाउंट चैप्टर का आपको यदि जनरल एंट्रीज अच्छी तरह से मालूम रहेगा तो आप तीनों अकाउंट्स बना लेंगे, रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट एंड लैंडलॉर्ड अकाउंट, आप आसानी से बना लेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको याद रहेगा जनरल जनरल, तो आप क्या कहीं माइंड में इमेजिन करके आराम से वो जितने भी अकाउंट्स हैं तीनों का तीनों बना लेंगे, ठीक है। तो याद जरूर कर लीजिएगा, याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा, काफ़ी इजी पड़ेगा बनाने में। तो मैं एक यहाँ पे एक समझाने के लिए आपको जनरल एंट्रीज पास कर दिखाऊंगा किस तरह से होता है। एक वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ जनरल एंट्रीज, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको देखना होगा देख लीजिएगा, वो भी वीडियो हेल्पफुल होगा आपके लिए। चलिए यहाँ पर देखिए, तब आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हल्का सा यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ईयर में देखिए शॉर्ट वर्किंग हुआ है ना, शॉर्ट वर्किंग हुआ है फर्स्ट ईयर में। तो इस फर्स्ट ईयर में लोग कैसे जनरल एंट्रीज पास करेंगे, देखिए फर्स्ट ईयर के लिए सब। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, रॉयल्टी को ड्यू करेंगे और साथ साथ शॉर्ट वर्किंग भी हुआ है तो शॉर्ट वर्किंग को भी ड्यू करेंगे, है ना। तो लिखिए यहाँ पे रॉयल्टी अकाउंट डेबिट और शॉर्ट वर्किंग भी हुई है तो लिखेंगे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट और टू करेंगे लैंडलॉर्ड, ठीक है, लैंडलॉर्ड, क्लियर। यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, फिर आपको लिखना है यहाँ पे बीइंग में लिख लीजिएगा, ठीक है। सेकंड आएगा, अब क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे लैंडलॉर्ड को, है ना। लिखेंगे लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट कर देंगे, ठीक है। मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, सिर्फ समझाने के पर्पज से लिख रहा हूँ, ठीक है। थर्ड में देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, रॉयल्टी को ट्रांसफ़र करेंगे किसमें, पीएल अकाउंट में। तो क्या करेंगे, पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, ठीक है। हम लोग बना रहे हैं क्या, रॉयल्टी अकाउंट। तो यही आपका जनरल एंट्रीज पास हुई। अब इसमें देखिए रॉयल्टी अकाउंट कहाँ कहाँ आया, फर्स्ट ईयर में, ये फर्स्ट ईयर का एंट्रीज है ना, जो हम लोग यहाँ देखे शॉर्ट वर्किंग हुआ है उसके बेसिस पे हम लोग देख रहे हैं। तो जनरल एंट्रीज पास कर रहे हैं, इसलिए आपको बोले ना कि जनरल एंट्रीज याद कर लीजिएगा तो क्या होगा, ईजी पड़ेगा बनाने में, है ना। जितने भी अकाउंट्स होंगे इजी पड़ेगा बनाने में। तो देखिए फर्स्ट ईयर में देखिए यहाँ पे रॉयल्टी अकाउंट कहाँ कहाँ आया, एक तो पहले हम लोग जब लैंडलॉर्ड को ड्यू करते हैं तब आता है, और दूसरा कब आता है रॉयल्टी, जब हम लोग पीएल में ट्रांसफ़र करते हैं। दो ही बार आता है ना रॉयल्टी, एक तब जब हम लोग लैंडलॉर्ड को ड्यू करते हैं और सेकेंड तब जब हम लोग रॉयल्टी को ट्रांसफ़र करते हैं पीएल अकाउंट में, यानी दो बार आएगा हर साल का जनरेटर्स में जब भी बनाएंगे तो रॉयल्टी अकाउंट को दो जगह देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको बनाते चलिए, आपको मालूम होगा रॉयल्टी अकाउंट देखिए किस साइड में है, डेबिट साइड में है ना। तो हम लोग कहाँ आएंगे, डेबिट साइड में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट ईयर लिखेंगे पहले और यहाँ करेंगे टू ओ टू, ठीक है। ये डेबिट साइड में है तो हम लोग यहाँ पे डेबिट साइड में आ गए, लेकिन लिखेंगे कौन सा, क्रेडिट वाला, लिखेंगे कौन सा, क्रेडिट वाला। आप पहले भी लेजर अकाउंट बना होंगे तो आपको मालूम होगा किस तरह से ये लेजर अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कौन सा डालेंगे, आपका रॉयल्टी अकाउंट एसी का अमाउंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो रॉयल्टी कितना है, 2000 है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2000। चलिए ये हो गया। अब देखिए ये तो पहला हुआ है यहाँ रॉयल्टी, दूसरा रॉयल्टी कब आया था, यहाँ पे है ना पीएल अकाउंट में जब हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। तो देखिए रॉयल्टी किस साइड है, क्रेडिट साइड में है, तो हम लोग क्रेडिट साइड में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, ये भी फर्स्ट ईयर का तो फर्स्ट ईयर यहाँ पे लिख लेंगे, है ना। देखिए
तो यहाँ पे लिखेंगे बाई वाई बी वाई बाई, और ये है क्रेडिट साइड में, तो हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे। और कौन वाला, डेबिट वाला, डेबिट में क्या है पी एल अकाउंट है ना, यहाँ लिखेंगे बाई पी एल अकाउंट। और अमाउंट कौन सा जाएगा, रॉयल्टी का ही, तो रॉयल्टी कितना था 2000 ना, 2000 यहाँ डालेंगे। ठीक है, देखिए दोनों साइड बैलेंस होना चाहिए है ना, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। तो देखिए दोनों साइड बैलेंस है ना, तो इसे क्या करें, जब बैलेंस है ही ऑलरेडी तो इसे क्या करें, क्लोज कर देंगे। आपको मालूम होगा रॉयल्टी अकाउंट क्या होता है, हम लोग हर साल ट्रांसफ़र करते हैं ना पीएल अकाउंट में, इसीलिए हर साल ट्रांसफ़र करते हैं, इसलिए हर साल इसको क्लोज भी करना है हर साल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देंगे रॉयल्टी अकाउंट को फर्स्ट ईयर को, ये क्लोज कर दिए मैंने। अब हम लोग आएंगे सेकेंड ईयर में। ठीक है, सेकेंड ईयर में भी देखिए, सेकेंड ईयर में भी देखिए शॉर्ट वर्किंग हुआ है ना, शॉर्ट वर्किंग हुआ है ना इस ईयर में भी, तो सेम आपका जर्नलिस्ट इसी तरह से पास होगा, बस अमाउंट चेंज हो जाएगा है ना, इसी तरह से आपका जर्नलिस्ट पास होगा। तो फिर आपका रॉयल्टी कब आएगा, जब हम लोग लैंडलॉर्ड को ड्यू करेंगे, और दूसरा रॉयल्टी कब आएगा, जब हम लोग पीएल में ट्रांसफ़र करेंगे, तो फिर से वही हम लोग पास करेंगे। तो फिर हम लोग लिखेंगे क्या, डेबिट साइड में, तो हम लोग लिखेंगे डेबिट साइड, फिर कौन सा, क्रेडिट वाला, तो टू लैंडलॉर्ड अकाउंट है ना, तो फिर से यहाँ लिखेंगे टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, और रॉयल्टी का अमाउंट दे देंगे यहाँ पे है ना, यहाँ पे रॉयल्टी का अमाउंट देंगे। तो सेकेंड ईयर में देखिए रॉयल्टी कितना है, 5000 है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 5000। अब सेकेंड ईयर में ये देखिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, रॉयल्टी को ट्रांसफ़र करेंगे पीएल में अकाउंट में ना, फिर यहाँ लिखेंगे बाई पीएल अकाउंट, तो क्लियर। उसके बाद अमाउंट कौन सा जाएगा, वही रॉयल्टी का, तो रॉयल्टी कितना ही है 5000 है ना, तो फिर यहाँ पे भी 5000 आएगा, तो वही अमाउंट तो हम लोग फिर पीएल में ट्रांसफर कर रहे हैं, दोनों साइड में 5000 रुपीज़ है, इक्वल है, तो इसको भी क्लोज कर देंगे है ना, हर साल क्लोज करना है इसको। थर्ड ईयर में देखिए, थर्ड ईयर पे देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, शॉर्ट वर्किंग नहीं हो रही है, सरप्लस अमाउंट हुई है। देखिए सरप्लस अमाउंट हुई है तो क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, कैसे जर्नलिस्ट पास कैसे करेंगे, इसमें कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं हुई है ना, तो देखिए यहाँ पे कैसे पास करेंगे एंट्रीज थर्ड ईयर के लिए, हम लोग तीसरे साल का जर्नलिस्ट पास कर रहे हैं। ठीक है, देखिए पहले तो हम लोग रॉयल्टी ड्यू करेंगे, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू, जबकि शॉर्ट वर्किंग हुई नहीं है तो इसे शॉर्ट वर्किंग को डेबिट नहीं करेंगे है ना, अब डायरेक्ट क्या करेंगे, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, ये पहला एंट्री हुई। ठीक, सेकेंडरी का क्या करेंगे, हम लोग पेमेंट करेंगे किसको, लैंडलॉर्ड को, तो क्या करेंगे लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट। और ध्यान दीजिए हम लोग यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग को रिकूप्ड भी किए है ना, सरप्लस है तो हम लोग रिकूप्ड कर सकते हैं है ना, तो ध्यान दीजिए हल्का सा, जब हम लोग रिक्विप्ट किए कितना रिक्विपमेंट किए हैं, देखिए शॉर्ट वर्किंग रिक्विपमेंट कितना है 5000 है ना, तो 5000 यहाँ पर लिखेंगे। लेकिन आप देखिए पहले इसका एंट्रीज देख लीजिए पहले कैसे करते हैं, इसलिए बोला था ना मैं कि जनरल याद रहेगा तो आपको ईजी पड़ेगा बनाने में अकाउंट्स, लेजर अकाउंट्स। ठीक है, तो लिखेंगे टू शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट, टू लिखेंगे कैश या बैंक अकाउंट, टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट चला जाएगा, ये जो शॉर्ट वर्किंग आई है ये क्या है, शॉर्ट वर्किंग जो रिक्विपमेंट की है वो अमाउंट यहाँ लिखना है। यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग मतलब ये नहीं कि शॉर्ट वर्किंग हुआ, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग तो हुआ ही नहीं है, सरप्लस हुआ है, तो सरप्लस हुआ है तो सरप्लस है तो हम लोग रिक्विपमेंट कर सकते हैं ना शॉर्ट वर्किंग का, तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने भले लिखा जाता है सिर्फ शॉर्ट वर्किंग, ठीक है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, लेकिन यहाँ पे अमाउंट कौन सा आएगा, रिक्विपमेंट का, जो जो अमाउंट हुआ है उसका। ठीक है, तो इसका देखिए अमाउंट कैसे करेंगे, देखिए शॉर्ट वर्किंग कितना रिक्विपमेंट किए हैं, ये देखिए पहले 5000 का है ना, तो 5000 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और लैंडलॉर्ड को देना कितना है यही देखना, तो लैंडलॉर्ड देखिए ड्यू कितना कर रहा है पहले, यहाँ रॉयल्टी कितना है यहाँ पे 15000 है ना, तो 15000 यहाँ पहले देखिए यहाँ पे अमाउंट डाल देते हैं, यहाँ पे सबसे पहले 15000, ये सब समझाने के लिए हो रहा है ये 15000। ठीक है, क्लियर, 15000 यहाँ पे दे देंगे हम लोग, दोनों साइड की रॉयल्टी कितना है 15000 है, तो 15000 मैंने दे दिया। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, 15000 यहाँ पे भी हमको 15000 लिखना होगा, कहीं लैंडलॉर्ड को जितना रॉयल्टी ड्यू करता है हमको पेमेंट करना है ना, तो 15000 यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, लैंडलॉर्ड को अब देखिए शॉर्ट वर्किंग कितना है, रिकमेंड किया 5000, और हम लोग को देना कितना है उसको, फिर हमको तो देख ले दोनों साइड डेबिट क्रेडिट साइड दोनों इक्वल होना चाहिए, तो 15000 है, तो इधर कितना होगा कैश में 10000 है ना, आपको मालूम होगा जर्नलिस्ट जब बनाते हैं तो डेबिट क्रेडिट साइड इक्वल होना चाहिए, तो डेबिट साइड कितना है 15000 है ना, और क्रेडिट साइड कितना है इधर 5000, तो हमको क्रेडिट साइड में और कितना देंगे कि दोनों इक्वल हो जाते हैं, 15000 है ही, अच्छा 5000, तो हमको यहाँ पे 10000 और मिलाएंगे क्रेडिट साइड में, दोनों को मिलाएंगे ना, तो 15000 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे इसलिए कैश में कैश अकाउंट में कितना जाएगा 10000। ठीक है, तो ये आपका अमाउंट सेट हो गया, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये पहले लैंडलॉर्ड रॉयल्टी बनाया, तो रॉयल्टी कहाँ आएगी फर्स्ट वाले में, ठीक है, और दूसरा रॉयल्टी अब यहाँ पे, जब हम लोग क्या करेंगे
रॉयल्टी को ट्रांसफर करेंगे पीएल अकाउंट में। तो क्या करेंगे, पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, है ना, रॉयल्टी अकाउंट, क्लियर। अब देखिए हल्का से, यहाँ पे रॉयल्टी यहाँ पे है, तो क्या करेंगे टू लैंडलॉर्ड अकाउंट करेंगे। तो फिर से चलिए कीजिए थर्ड ईयर में भी, थर्ड ईयर में टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, तो अमाउंट जाएगा रॉयल्टी का ही। रॉयल्टी कितना दी है यहाँ पे, देखिए 15,000 है, तो 15,000 आएगा। देखिए यहाँ पे भी वही है, देखिए रॉयल्टी में 15,000, तो वही अमाउंट देंगे 15,000 दे दिए। सेकेंड ईयर में फिर हम लोग ट्रांसफर करेंगे, सेकेंड थर्ड ईयर में फिर हम लोग उसी में ट्रांसफर करेंगे ना, पीएल अकाउंट में फिर रॉयल्टी को। तो बाय पीएल अकाउंट कितना होगा, 15,000 ही होगा, वही अमाउंट फिर ट्रांसफर करेंगे हम लोग रॉयल्टी, क्या बोलते, रॉयल्टी को पीएल में। तो 15,000 का अमाउंट ही रहेगा, इस ईयर को भी क्लोज कर देंगे, ठीक है, दोनों साइड इक्वल है, क्लोज कर देंगे। अब आते हैं फोर्थ ईयर में, है ना। तो देखिए फोर्थ ईयर में क्या हुआ, फोर्थ ईयर का भी बात वही है, इसमें भी क्या हुई है, शॉर्ट वर्किंग नहीं हुई है बल्कि सरप्लस ही हुई है। तो सेम इंटरेस्ट जैसे भी बनाए वैसे ही बनेगा। तो पहले क्या करेंगे, रॉयल्टी को ड्यू करेंगे, तो क्या करेंगे टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। इसी मैंने लिए बोल रहा था ना कि आपको ज्योमेट्रीज अच्छी तरह से लर्न होना चाहिए, जब लर्न रहेगा तो उसमें चिंता करने की बात ही नहीं रहेगी, उस इंटरेस्ट को आप माइंड में ही इमेजिन करके आप आराम से ये लेजर अकाउंट्स बना पाएंगे, ठीक है। तो आप ज्योमेट्रीज अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा, हर केस में, हर ईयर में किस तरह से करेंगे तो उसको अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा, ईजी पड़ेगा बनाने में। देखिए लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना आ जाएगा फोर्थ ईयर में, देखिए कितना है रॉयल्टी फोर्थ ईयर में आपका है 18,000, तो यहाँ पे क्या आएगा 18,000। फिर इसको रॉयल्टी को ट्रांसफर करेंगे किसमें, पीएल अकाउंट में। तो बाय पीएल अकाउंट कितना आएगा 18,000, ठीक है, इस ईयर को भी क्लोज कर देंगे, क्लियर। आगे देखते हैं फिफ्थ ईयर में, देखिए फिफ्थ ईयर में भी वही होगा, रॉयल्टी को ड्यू करेंगे, है ना। सेम देखिए रॉयल्टी अकाउंट बनाना थोड़ा सा ईजी है, इसमें कुछ करना नहीं पड़ता है, डेबिट साइड में जाएगा टू लैंडलॉर्ड अकाउंट एंड क्रेडिट साइड में जाएगा बाय पीएल अकाउंट करके, बस आपका रॉयल्टी बस दो ही जगह आएगा, एक तो रॉयल्टी जब ड्यू करेंगे लैंडलॉर्ड को और दूसरा रॉयल्टी तब आएगा जब हम लोग पीएल में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो बस दो ही जगह आता है इसमें, इसलिए रॉयल्टी अकाउंट बनाना होता कुछ टफ काम नहीं है, ईजी है। तो फिफ्थ ईयर में देखिए रॉयल्टी कितना आपका 20,000 है ना, तो लैंडलॉर्ड को ड्यू करेंगे तो टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 20,000 है, 20,000, ठीक है। मैं अच्छी तरह से नहीं लिख रहा हूँ, मुझे भी मालूम है, क्योंकि मैं थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है। टू लैंडलॉर्ड अकाउंट हो गया 20,000, और फिर हम लोग क्या करेंगे पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, है ना। तो ट्रांसफर करते हैं बाय पीएल अकाउंट, कितना आएगा 20,000, इसी को भी क्लोज कर देंगे। यही आपका हो गया रॉयल्टी अकाउंट, इसमें कुछ था नहीं, देखा जाए तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट और लैंडलॉर्ड अकाउंट भी उतना कुछ है नहीं, थोड़ा सा आपको बस अच्छी तरह से आपको जनरलिटीज याद होनी चाहिए, याद रहेगा तो आपका हर अकाउंट, हर लेजर अकाउंट आपका इजीली बन जाएगा, ठीक है। आपका जनरलिटीज अच्छी तरह से आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जनरलिटीज याद कर लीजिएगा हर केस में किस तरह से किया जाता है इस चैप्टर का, ठीक है, ताकि ईजी बने। तो ये आपका रॉयल्टी अकाउंट बन गया, चलिए हम लोग बनाएंगे हम लोग अब शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। देखिए गाइस, मैं शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाने के लिए मैं फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया हूँ, ठीक है। और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट आपको तीन जगह देखने को मिलेगा, ठीक है। पहला, जब शॉर्ट वर्किंग हुआ हो, ठीक है, उसके लिए हम लोग शॉर्ट वर्किंग ड्यू करेंगे लैंडलॉर्ड को, तब एक इंटरेस्ट पास करेंगे। और फिर सेकेंड आपको मिलेगा देखने को, जब हम लोग शॉर्ट वर्किंग का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। और थर्ड हमको मिलेगा तब, जब आपको जो रिकुप्ट नहीं कर पाए जो शॉर्ट वर्किंग, उसको कहते हैं अनरिकुप्ट शॉर्ट वर्किंग, है ना, जो आपके कॉलम में पड़े थे अनरिकुप्ट शॉर्ट वर्किंग, तो उसको जब हम लोग पीएल में ट्रांसफर करेंगे तब हम लोग एक इंटरेस्ट पास करते हैं, ठीक है। तो आपको तीन जगह मिलेगा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट देखने को, उसके बेसिस पे हम लोग ये लेजर अकाउंट यानी शॉर्ट वर्किंग अकाउंट ये बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, हम आपको ऑलरेडी बता दिए थे कि हर केस में आपको हर साल, है ना, आपको तीन जनरलिटीज आपको देखने को मिलता है ना, हर साल आपको जनरली तीन जनरलिटीज पास करने को मिलता है। तो ये फर्स्ट ईयर का ही जनरलिटीज था, जो मैंने आपको रॉयल्टी अकाउंट बनाते समय ये बताया था, है ना, ये फर्स्ट ईयर का है ना, फिर रॉयल्टी, क्योंकि देखिए यहाँ ध्यान से, क्योंकि फर्स्ट ईयर में शॉर्ट वर्किंग हुआ है ना, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कैसे जनरेटिस पास किए थे, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट अकाउंट, ठीक है। और फिर सेकेंड में जब हम लोग लैंडलॉर्ड को कैश पेमेंट कर रहे थे, है ना, तो फिर थर्ड में क्या हुआ, जब हम लोग रॉयल्टी को पेएल में अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे थे, यानी कि वो तीन इंटरेस्ट देखने को मिलता है हर साल आपको, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। देखिए इस फर्स्ट ईयर का ये है, तो देखिए फर्स्ट ईयर में कहाँ का आपको शॉर्ट वर्किंग आया, सिर्फ वो एक जगह देखने को मिल रहा है ना, यहाँ पे, है कि नहीं, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट बस यहाँ पे।
तो ये है कौन सी साइड में, डेबिट साइड में है ना, तो हम लोग क्या करेंगे डेबिट साइड लिखेंगे, है ना। डेबिट साइड में आइए, इधर डेबिट साइड फर्स्ट ईयर का, तो फर्स्ट ईयर लिख लेंगे, ठीक है तो डेबिट साइड है ना, तो लिखेंगे कौन सा क्रेडिट वाला। डेबिट साइड में सॉफ्टवर्किंग अकाउंटेंस, तो हम लोग डेबिट साइड में आ गए, लेकिन लिखेंगे कौन सा क्रेडिट वाला, तो क्या लिखेंगे टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट कौन सा लिखेंगे आपका, जो सॉफ्टवर्किंग हुआ है ना, सॉफ्टवर्किंग वाला अमाउंट लिखेंगे ना, अमाउंट तो लिखेंगे सॉफ्टवर्किंग का ही, तो सॉफ्टवर्किंग कितना हुई है देखिए फर्स्ट ईयर में 8000 है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 8000, ठीक है। अब देखिए और तो कहीं सॉफ्टवर्किंग है नहीं, है ना, कहीं है क्या सॉफ्टवर्किंग अकाउंट, नहीं है, ये तो खत्म हो गया फर्स्ट ईयर वाला। अब देखिए हम पहले ही बताएं कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल होना चाहिए, तो इधर 8000 इधर कुछ है ही नहीं, फर्स्ट ईयर में कुछ है ही नहीं ना इधर, अब तो खत्म हो गया, तो हम क्या बोले इक्वल करना पड़ेगा, क्या करना होगा इक्वल करना होगा, इधर 8000 इधर 8000 नहीं है तो हमको यहाँ पे लाना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे फर्स्ट में बाय बैलेंसिंग फिगर कर देंगे, क्या करेंगे बाय बैलेंसिंग, यानी बाय बैलेंस सीडी, यानी कैरी डाउन लाना पड़ रहा है ना, हमको लगाना पड़ रहा है इधर से, तो लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, कितना 8000 है, यहाँ लिखेंगे 8000। देखिए अब दोनों इक्वल हो गया ना, तो अब क्या करेंगे दोनों को क्लोज करेंगे, देखिए कैसे क्लोज करते हैं, 8000 है अभी यहाँ पे क्लोज कर दीजिए, दोनों साइड इक्वल हो गया ना, ठीक है। अब सेकेंड ईयर में आएंगे हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, जो हम लोग बाय बैलेंस सी डी किए उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे लाना पड़ेगा, बाय बैलेंस बी डी करेंगे, सॉरी यहाँ पे टू करना, टू बैलेंस बी डी, कितना है 8000 है ना, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 8000, ठीक है। ये तो हमको यहाँ पे अमाउंट लाना पड़ेगा बी डी, क्योंकि यहाँ पे कैरी डाउन किए हैं, तो हमको यहाँ पे ब्राउ डाउन टू लाना पड़ेगा, है ना, टू टू बैलेंस बी डी कर दिए 8000। अब देखिए सेकेंड ईयर में फिर से सॉफ्टवर्किंग हुई है ना, तो यानी कि आपका इंटरेस्ट कैसे होगा, फिर ऐसा ही होगा आपका सेकेंड ईयर का भी सेम ऐसा ही होगा, है ना, बस अमाउंट चेंज होगा लेकिन होगा तो फिर ऐसा ही, तो फिर से आपको सॉफ्टवर्किंग बस एक ही जगह देखने को मिलेगा, सिर्फ इस जगह, है ना, जब लैंडलॉर्ड को ड्यू करेंगे तो भी सेम बनेगा, वैसे ही बनाइए। देखिए यहाँ 8000 प्रॉफिट डाउन कर लिए, अब फिर से वही इसको पास करेंगे यहाँ पे, देखिए सॉफ्टवर्किंग और डेबिट साइड में है ना, तो फिर मैं डेबिट साइड ही आऊँगा, है ना, डेबिट साइड में और कौन सा लिखूँगा टू लैंडलॉर्ड अकाउंट ही, है ना, तो फिर से यहाँ लिखेंगे सेकेंड ईयर का ये है ना, तो टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, क्लियर। तो अमाउंट कौन सा जाएगा सॉफ्टवर्किंग का ही, तो देखिए सेकेंड ईयर में सॉफ्टवर्किंग कितने हुई है 5000 है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5000, क्लियर। और आपको फिर एक ही जगह मिलेगा देखने को, है ना, सेकेंड ईयर में भी जनरेटिव ऐसे ही पास करेंगे, तो फिर कहीं मिलेगा देखने को, नहीं मिलेगा, बस एक ही जगह मिलेगा सॉफ्टवर्किंग अकाउंट देखने को, तो बस एक ही जगह होगा, तो अब इधर तो खाली हो जाएगा, आपको तो बैलेंस करना है, तो बैलेंस कीजिए यहाँ पे, तो इधर पर इसको जोड़ लीजिए, थोड़ा सा अधिक है ना, 8500 प्लस 13000, ये 13000 होगा, है ना, तो इस साइड में हमको 13000 लाना पड़ेगा ना, इस साइड तो है नहीं, तो क्या करेंगे इस सेकेंड ईयर का, तो आपको फिर वही बाय बैलेंस सीडी करना होगा, यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिख देते हैं, ठीक है, बी को यहाँ पे भी बी को कैपिटल लेटर में कर दीजिए, बाय बैलेंस सीडी, फिर आपको लाना होगा कितना यहाँ पे लाना होगा आपको, क्योंकि आपको यहाँ पे 13000 है ना, तो इधर भी 13000 होना चाहिए पर है नहीं, तो आपको लाना होगा कितना 13000 रुपीज़, ठीक है, तो इसको फिर आपको बैलेंस करना पड़ेगा, है ना, तो बैलेंस तो कर ही दिए, अब इसको क्या करेंगे क्लोज कर देंगे, तो फिर यहाँ पे मैं क्लोज कर दूंगा ऐसे करके, 30000 यहाँ पे लिख दूंगा, फिर कॉलन खींचे क्लोज कर दूंगा, यहाँ पर क्लोज हो गया। अब देखिए यहाँ पे डेबिट साइड भी 13000 है और क्रेडिट साइड भी 13000 है, ठीक है। तो थर्ड ईयर में जैसे आएंगे तो हम लोग क्या करें, जो हम लोग बाय बैलेंस जो सीडी लिखे हैं वो क्या होगा बाय टू बैलेंस बीडी, है ना, तो फिर खींचे टू बैलेंस बीडी, ठीक है, तो फिर हमको यहाँ पे वही अमाउंट लाना पड़ेगा 13000 यहाँ पे फिर से इस तरह से यहाँ पे किए थे, तो यहाँ लिखेंगे कितना 13000, है ना। अब देखिए थर्ड ईयर का हम लोग इंटरेस्ट कैसे पास करेंगे, देखिए थर्ड ईयर में क्या हुआ है, देखिए थर्ड ईयर में सॉफ्टवर्किंग नहीं हुई है, सरप्लस हुई थी, तो सरप्लस हुई थी इसका मतलब सरप्लस हुआ है तो सॉफ्टवर्किंग रिक्रूटमेंट भी होगा, चूंकि हम लोग रिक्रूटमेंट किए थे, तो थर्ड ईयर हम लोग कैसे इंटरेस्ट पास करेंगे, देखिए आपको इंटरेस्ट मैं सिखाता हूँ थोड़ा सा, देख लीजिए आप कैसे पास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रॉयल्टी को ड्यू करेंगे, है ना, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, क्लियर। फिर हम लिखेंगे क्या टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, क्योंकि वहाँ पर सॉफ्टवर्किंग हुई नहीं है, तो सॉफ्टवर्किंग को डेबिट नहीं करेंगे, है ना, लैंडलॉर्ड अकाउंट, क्लियर, जो हमें अमाउंट चल जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे लैंडलॉर्ड को, लेकिन उस ईयर में देखिए थोड़ा सा सॉफ्टवर्किंग का रिक्रूटमेंट भी हुआ है ना, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान देना है इस ईयर में, है ना, तो क्या करें पहले लैंडलॉर्ड
अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट वर्किंग भी हुआ है ना, देखिए ध्यान से, उसी ईयर थर्ड ईयर का ही बात कर रहे हैं, शॉर्ट वर्किंग का रिक्वायरमेंट भी हुआ है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखना। तो इसको इंटरेस्ट कैसे करते, देखिए लर्न अकाउंट डेबिट किया और यहाँ लिखेंगे फिर शॉर्ट वर्किंग टू क्रेडिट करेंगे, ठीक है, टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, ठीक है, फिर टू करेंगे कैश या बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट इधर आपको मिलेगा सिर्फ, है ना, थर्ड एंट्री होगी जब रॉयल्टी को ट्रांसफर करेंगे पीएल अकाउंट में। तो बाइक के पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, ठीक है, ये आपका बनेगा जनरल एंट्रीज थर्ड ईयर के लिए, ठीक है। तो अब इसमें देखिए शॉर्ट वर्किंग कहाँ कहाँ आ रही है, कहीं नहीं आ रही, बस एक जगह आ रही है यहाँ पे, है ना। तो इसको ध्यान रखना है, कौन सी साइड में, क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में आएंगे हम लोग थर्ड ईयर के लिए, है ना, इधर आएंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ लिखते हैं थर्ड ईयर, अब क्रेडिट साइड में आ गए, और लिखें कौन सा, डेबिट वाला, है ना, किन कौन साइड में है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, क्रेडिट साइड में, तो हम लोग क्रेडिट साइड में आ गए, ठीक। लिखें कौन सा, डेबिट वाला, तो क्या करेंगे यहाँ पे, बाय यहाँ पे लिखा हुआ है कौन, लैंडलॉर्ड अकाउंट ना, तो यहाँ लिखेंगे लैंडलॉर्ड अकाउंट, ठीक है, लैंडलॉर्ड अकाउंट। अब लैंडलॉर्ड अकाउंट में अमाउंट कौन सा जाएगा, तो देखिए थर्ड ईयर में आपने कितने भेजे थे अमाउंट, 10,000 भेजे थे ना थर्ड ईयर में लैंडलॉर्ड को पेमेंट के, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10,000, ठीक है, 10,000, ठीक है। अब कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन देखिए ये दोनों बैलेंस तो हुआ नहीं है, है ना, ये बैलेंस हुआ नहीं है, तो बैलेंस तो करना पड़ेगा, देखिए ये बैलेंस तो हुआ नहीं है, है ना, कहीं दोनों से इक्वल है नहीं, इधर 13,000 है, यहाँ पे 10,000 है। थोड़ा सा यहाँ पे एक और चीज़ पॉइंट यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हम लोग क्या किए यहाँ पे, शॉर्ट वर्किंग का रिक्वायरमेंट हुआ 5,000, है ना, तो उसके लिए हम लोग इस तरह से किए, शॉर्ट वर्किंग एक इंडेक्स पास किए, शॉर्ट वर्किंग का रिक्वायरमेंट कर लिए, ठीक है। वो अमाउंट यहाँ पे चल गया था, कितना था रिक्वायरमेंट, कितने थे 5,000 ना, तो ये 5,000 यहाँ पे चला जाएगा, जो कि हम लोग यहाँ पे होना चाहिए था हम लोग का, ठीक है, 5,000 ही होगा। और यहाँ एक चीज़ यहाँ पे समझिए, कुछ क्या हुआ था, 5,000 ही रिक्वायरमेंट हुआ था, कितना बच गया था 8,000, है ना, 8,000 का हम लोग रिक्वायरमेंट नहीं किए थे, किए थे क्या, नहीं हुआ था, तो क्या कहलाती है, अनरिक्वायर्ड शॉर्ट वर्किंग। तो इसको भी ध्यान रखना है, ये कहाँ चल जाएगा, पीएल अकाउंट में, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग इंटरेस्ट पास करते हैं, यहाँ देख लीजिए, इसके लिए भी एक यहाँ पे इंटरेस्ट पास होगा, यहाँ पे दो इंटरेस्ट पास हुआ इसी ईयर में, क्यों हुआ, जब हम लोग एक बार रिकमेंड कर रहे हैं, ठीक है, वो इंटरेस्ट पास हुआ शॉर्ट वर्किंग के लिए, और दूसरा कब होता है, जब कुछ बच जाता है अमाउंट शॉर्ट वर्किंग रिकमेंड नहीं कर पाते, उसको हम लोग क्या करते हैं, पीएल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो पीएल में ट्रांसफर करेंगे, उसका भी तो इंटरेस्ट होगा ना, तो इसलिए उसको भी ध्यान रखना। तो क्या होगा इंटरेस्ट, देखिए यहाँ पे पीएल अकाउंट डेबिट, हम लोग शॉर्ट वर्किंग क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, क्यों, अनरिक्वायर्ड शॉर्ट वर्किंग है जो, है ना, लिखना नहीं है लेकिन अनरिक्वायर्ड शॉर्ट वर्किंग, ठीक है, टू शॉर्ट वर्किंग सिर्फ लिखेंगे, शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट, बस यही आपका एंट्री होगा। क्या कर रहे हैं, शॉर्ट वर्किंग को ट्रांसफर कर दे रहे हैं पीएल अकाउंट में, यहाँ पे अनरिक्वायर्ड ऐसे लिखना नहीं है, बस आपको शॉर्ट वर्किंग को ही लिखना है, ठीक है। तो समझ में आ जाएगा ये क्या हो रहा है, अनरिक्वायर्ड शॉर्ट वर्किंग है, यानी जो रिक्वायरमेंट नहीं हुआ है वो शॉर्ट वर्किंग क्या कर रहे हैं, पीएल में भेज रहे हैं। तो उसका ये इंट्री है, आप देखो ये भी आपको यहाँ पे मिल गया देखने को, जनरली जो थर्ड ईयर थी ना, थर्ड ईयर में देखिए आपका रिक्वायरमेंट भी हुआ था, ठीक है, आप कुछ अमाउंट क्या होता, अनरिक्वायर्ड शॉर्ट वर्किंग में ट्रांसफर भी किए थे, कुछ अमाउंट क्या किए थे, अनरिक्वायर्ड शॉर्ट वर्किंग में ट्रांसफर हुआ है ना, अनरिक्वायर्ड शॉर्ट वर्किंग टू पीएल अकाउंट ट्रांसफर हुआ है ना कुछ अमाउंट, इस वजह से क्या होगा, एक इंट्री पास हो जाएगा स्पेशल यहाँ पे, ये वाला क्या करेंगे, जो अनरिक्वायर्ड शॉर्ट वर्किंग है उसको क्या करेंगे, पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। तो पीएल में कितना ट्रांसफर हो जाएगा, कितना अनरिक्वायर्ड हुआ, देखिए 8,000, इसको रिकमेंड नहीं कर पाए तो यहाँ पे 8,000 आ जाएगा अमाउंट, दोनों में 8,000 8,000, क्लियर। मानता हूँ कि मैं ये थोड़ा सा स्पीड भी लिख रहा हूँ और थोड़ा सा इधर उधर अप डाउन हो रहा राइटिंग के लिए, मैं अच्छा से नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, पर माइंड मत कीजिएगा, क्लियर। तो यहाँ पे हम पास कर लेते हैं, चलिए। और देखिए यहाँ पे कौन सा साइड में है, क्रेडिट साइड में है, तो कौन सा साइड में है, क्रेडिट साइड, मतलब फिर क्रेडिट साइड में आएंगे, लेकिन कौन सा, डेबिट वाला, तो यहाँ क्या पीएल अकाउंट है ना, तो बाय पीएल अकाउंट करेंगे यहाँ पे, बाय पीएल अकाउंट, लेकिन बाय पीएल अकाउंट, ठीक है। तो अमाउंट कौन सा आ जाएगा आपका, शॉर्ट वर्किंग का, शॉर्ट वर्किंग कितना है, जो अनरिकुप्ड हुआ है, तो अनरिकुप्ड वाला टोटल 8,000 है ना, तो 8,000 यहाँ लिखेंगे, 8,000। देखिए यहाँ थोड़ा सा अमाउंट यहाँ पे गलती लिखा गया, यहाँ पे 10,000 के बदले यहाँ पे 5,000 होना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है, क्यों होना चाहिए, देखिए यहाँ पे मैं गलती से यहाँ 10,000 लिख दिया हूँ। जब हम लोग थर्ड ईयर में इंट्रेंस पास कर रहे थे, देखिए थर्ड ईयर का ही है, तो यहाँ पे क्या लिखे थे, लेनो अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट टू कैश बैंक अकाउंट, है ना। तो हम लोग शॉर्ट वर्किंग, ये कौन सा शॉर्ट वर्किंग है, जो हम लोग रिकमेंड किए हैं, है ना। तो मैंने रिकमेंड कितना का किया था, 5,000 का ना, तो ये 5,000 यहाँ पे लिखेंगे ना, 5,000, तो यही अमाउंट कहाँ जाएगा, 5,000 यहाँ लिखना था, क्योंकि कौन से साइड में, ये
क्रेडिट साइड में, हम लोग क्रेडिट साइड में आएंगे और कौन सा लिखेंगे, डेबिट वाला है ना, तो लिखेंगे डेबिट यहाँ पे, तो बाय लैंड अकाउंट अमाउंट कौन सा जाएगा आपका शॉर्ट वर्किंग का, शॉर्ट वर्किंग तो आपका 5000 है ना, तो ये 5000 यहाँ पे होना चाहिए ठीक है। बाई मिस्टेक मैंने 10,000 रुपीज़ कर दिया, अमाउंट थोड़ा सा बढ़ गया गलती से, तो चलिए ये आपका क्लियर हो गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, क्लोज करेंगे है ना, तो देखिए दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, सबसे पहले देख लीजिए तो बड़ा कौन सा इस साइड में, तो जोड़ लेते पहले इसको 13,000 है ना, इधर कितना आएगा 8,513, अच्छा इधर भी 13,000 है ठीक है, तो दोनों इक्वल हो गया तो दोनों क्लोज कर दीजिए क्लियर। ये आपका थर्ड ईयर का कंप्लीट हो गया है ना। अब देखिए फोर्थ ईयर में आते हैं, तो फोर्थ ईयर में देखिए यहाँ पे फोर्थ ईयर में क्या हुआ है, देखिए फोर्थ ईयर में सरप्लस हुआ है ना, तो सरप्लस यहाँ देखिए फोर्थ ईयर में कुछ भी हुआ ही नहीं था एक्चुअली में, हम लोग फोर्थ ईयर में कुछ किए हैं क्या, सरप्लस में शॉर्ट वर्किंग हुआ है क्या, नो, तो फिर जब शॉर्ट वर्किंग हुआ ही नहीं है ना, शॉर्ट वर्किंग रिकमेंड किए हैं फोर्थ फिफ्थ में, तो कुछ भी होगा नहीं, कहीं शॉर्ट वर्किंग तो आएगा नहीं देखने को, मिलेगा क्या, एकदम नहीं मिलेगा। देखिए फोर्थ फिफ्थ तो कुछ बनेगा ही नहीं, क्यों नहीं बनेगा फोर्थ और फिफ्थ ईयर में, ठीक है फोर्थ और फिफ्थ ईयर में शॉर्ट वर्किंग हुआ नहीं है ठीक है, इससे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट वहाँ पे मिलेगा नहीं जनरल ट्रेज में। और दूसरा सरप्लस तो है लेकिन रिकमेंड तो नहीं ना हुआ है क्या, रिकमेंड हुआ है क्या, जब थर्ड ईयर में हुआ था बस वहाँ तक हम लोग डील किए, और फोर्थ फिफ्थ में कुछ हुआ ही नहीं है, ना ही शॉर्ट वर्किंग है ना ही शॉर्ट वर्किंग का रिकमेंड हुआ है ना, तो जब ऐसा हुआ ही नहीं है तो कहीं हमको शॉर्ट वर्किंग अकाउंट मिलेगा ही नहीं देखने को, मिलेगा नहीं मिलेगा एकदम, तो इस वजह से हम लोग को फोर्थ और फिफ्थ ईयर का कुछ भी नहीं करना है ठीक है, बस आपका यहीं तक रह जाएगा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट आपका, बस यहीं तक बनेगा क्लियर। ये आपका शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बन गया है, तो चलिए अब हम लोग बनाएंगे कौन सा लास्ट लैंडलॉर्ड अकाउंट है ना। देखिए गाइस मैं लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाने के लिए मैं फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया हूँ, तो चलिए बनाते हैं। देखिए फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट कैसे थे जनरल इंटरेस्ट, तो मैं देख लेता हूँ। देखिए फर्स्ट ईयर में जो डिस्कस किया था वही है, देखिए फर्स्ट ईयर का 3 जनरल इंट्रीज है, तो देखिए कहाँ कहाँ आपको लैंडलॉर्ड अकाउंट देखने को मिल रहा है, एक तो यहाँ मिल रहा है ठीक है, सेकंड कहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है और कहीं नहीं मिल रहा है। पहला जब हम लोग रॉयल्टी को ड्यू करते हैं लैंडलॉर्ड को, यानी कि जब शॉर्ट वर्किंग हुआ तो शॉर्ट वर्क को भी ड्यू कर देंगे, तब एक जगह मिलता है देखने को, दूसरा लैंडलॉर्ड को मिलता है जब हम लोग पेमेंट करते हैं, दो ही जगह मिलता है लैंडलॉर्ड देखने को है ना। तो चलिए इंटरेस्ट लेज अकाउंट पे पोस्ट करते हैं ठीक है, तो चलिए देखिए, तो पहले यहाँ पे देख लीजिए कौन साइड में, पहला क्रेडिट साइड में, तो हम लोग आएंगे क्रेडिट साइड, तो देखिए यहाँ पे क्रेडिट साइड है, लिखता हूँ मैं फर्स्ट ईयर का, तो लिखेंगे बाय ठीक है, और कौन सा लिखेंगे डेबिट वाला, कौन ये डेबिट वाला है ना, दो है यहाँ पे है ना, एक रॉयल्टी अकाउंट भी है और दूसरा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट है, दोनों को यहाँ पे नोट करेंगे, एक लिखेंगे बाय रॉयल्टी अकाउंट, फिर यहाँ लिखेंगे बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट ठीक। तो आप देखिए रॉयल्टी कितना थी फर्स्ट ईयर में, 20,000 है ना, तो यहाँ पे कितना आएगी 20,000, शॉर्ट वर्किंग कितना हुई है देखिए 8,000, तो यहाँ आएगी 8,000 ठीक है। अब आपको कहीं नहीं मिलेगा देखने को, एक और जगह आपको मिलेगा ना, एक जगह का जब हम लोग पेमेंट करेंगे है ना, तो पेमेंट करेंगे देखिए यहाँ पे, तो डेबिट साइड में है ना लैंडलॉर्ड, तो डेबिट साइड में हम लोग आएंगे इस साइड, अब क्या लिखेंगे टू कैश अकाउंट, क्रेडिट वाला लिखते हैं ना, तो क्या लिखेंगे टू कैश या बैंक अकाउंट जो भी आपको लिखना है, तो फर्स्ट में लिखेंगे टू कैश अकाउंट ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अमाउंट क्या सेटअप करेंगे, जो लैंडलॉर्ड को देना है ठीक है, तो देना कितना यहाँ पे, रॉयल्टी कितना थी वहाँ पे, देखिए मैंने जो रॉयल्टी लिखा था दोनों जोड़ के देंगे ना 20,000 और 8,000, यहाँ पे देख लीजिए 20,000 और 8,000, तो कितना आएगा 20,000 28,000 हो जाएगा, तो यही अमाउंट तो हमको लैंडलॉर्ड को पेमेंट करना है ना 28,000, तो यहाँ पे कैश बैंक में क्या करेंगे यहाँ पे 28,000 देंगे ठीक है। ये दोनों साइड बराबर हो चुका है ना। जब अमाउंट घटता तब हम लोग बैलेंस सीडी करते हैं, जब नहीं रहता अमाउंट तब वहाँ पे लाने के लिए बाय बैलेंस सीडी करते हैं, जब रहता ही है तो फिर वहाँ पे कुछ नहीं, बस वहाँ पे जैसे बनता है उसके हिसाब से अपने आप इक्वल हो जाता है, जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्वल हो गया ऑटोमेटिक है ना, तो इसको क्लोज कर देंगे है ना, तो यहाँ पे 28,000 लिखेंगे क्लोज कर देंगे, और यहाँ पे भी क्या करेंगे क्लोज कर देंगे इसको है ना 28,000 क्लियर। चलिए ये फर्स्ट ईयर का हो गया, सेकेंड ईयर में भी देखिए वैसे ही है, यहाँ पे भी शॉर्ट वर्किंग हुई है ना, तो फिर वैसे ही आपका इंटरेस्ट पड़ेगा, देखिए आपका हो गया। अब सेकेंड ईयर में देखिए यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग है 5,000 है ना, तो देखिए इसमें भी आपको वैसे ही बनाना है जैसे यहाँ पे बना है, तो आपका सेकेंड ईयर में भी ऐसे ही इंटरेस्ट पास होगा है ना। तो देखिए यहाँ पे भी देख सकते हैं आप कहाँ कहाँ को लैंडलॉर्ड मिलेगा देखने को, एक यहाँ पे है ना, दूसरा जब आप पेमेंट करेंगे, तो फिर आपको इसी तरह से बनाना है
तो देखिए सेकेंड ईयर में भी आपका स्टॉकिंग हुआ है ना, तो इंटरेस्ट क्या बनेगी, ऐसे ही बनेगी ना, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, स्टॉकिंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, तो कोई फिर से ऐसे ही बनाना जैसे यहाँ पे बनाए फर्स्ट ईयर वाले जैसे बना, वैसे ही आपका सेकेंड ईयर का भी सेम बन जाएगा। तो सेकेंड ईयर में लिखेंगे क्या, ये दोनों सेट, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बाय रॉयल्टी अकाउंट या फिर से लिखेंगे है ना, क्योंकि दोनों ईयर में स्टॉक वर्किंग हुआ था तो सेम जैसा इंटरेस्ट पास होगा, तो वैसे ही यहाँ पे करेंगे बाय, बस अमाउंट चेंज हो जाएगी है ना, रॉयल्टी अकाउंट और यहाँ फिर लिखेंगे बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है क्या लिख रहे हैं हम। अब अमाउंट सेटअप कीजिए, तो रॉयल्टी कितना है सेकेंड ईयर में 5000 है ना, और एंड स्टॉक वर्किंग कितना आपका 5000, अच्छा दोनों आपका 5000 है, तो यहाँ पर दोनों 5000 यहाँ लिख लेंगे, 5000 क्लियर। तो आपको फिर से ये दफे आपको पेमेंट करना होगा लैंडलॉर्ड को है ना, तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट, क्लियर। तो कितना यहाँ पे लिखना है, कितना पेमेंट करें, 10000 पेमेंट करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है ना, दोनों को प्लस कर देंगे ना, 5 + 5 = 5000 + 5000 = 10000 आ जाएगा, यहाँ पे 10000 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे इसको, तो क्लोज कर दीजिए 10000, यहाँ पे 5 5 10000, ठीक है, इस सेकेंड ईयर का हो गया। अब थर्ड ईयर के आते हैं, देखिए सब में वैसे ही करेंगे यहाँ पे, थर्ड ईयर में देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस नहीं है कि हम लोग को एडजस्ट इसी में पेज में एडजस्ट करना होगा, थर्ड ईयर है, अब देखिए थर्ड ईयर में के लिए क्या करेंगे, थर्ड ईयर में देखिए आपका फिर से यहाँ पे, अच्छा फिर वही हम बताया था ना आपको, थर्ड ईयर में कहाँ कहाँ आएगा लैंडलॉर्ड अकाउंट, दो ही जगह आएगा, एक तो फर्स्ट वाला में जब रॉयल्टी को ड्यू करते हैं, दूसरा जब लैंडलॉर्ड को, और जब हम लोग लैंडलॉर्ड को पेमेंट करते हैं, वो यही दो जगह मिलेगा देखने को, तो ध्यान में रखिए, बस इसी को रखिएना है ना ध्यान में। तो हम लोग थर्ड ईयर का बना रहे थे, देखिए थर्ड ईयर में थोड़ा सा रिक्रूटमेंट भी हुआ है ना, थोड़ा सा इसको पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसके लिए देखिए यहाँ पे हम लोग बनाए थे जनरलिटीज, उस पर चलिए आते हैं है ना, कहाँ पे बनाए थे जनरलिटीज, ये थर्ड ईयर का जनरलिटीज है, देखिए यहाँ पे कहाँ कहाँ लैंडलॉर्ड अकाउंट आया है ना, तो यहाँ पे आपको एक जगह फर्स्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, सेकेंड आपको एक यहाँ पे मिल रहा है ना, तो चलिए इसके बेसिस हम लोग लेजर पे पोस्ट करते हैं है ना, डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में बताइए, क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में आएंगे क्या लिखेंगे, बाय रॉयल्टी अकाउंट है ना, तो आते हैं थर्ड ईयर में, क्रेडिट साइड में आए तो क्या लिखेंगे, बाय रॉयल्टी अकाउंट है ना, अमाउंट की देखिए कितना है रॉयल्टी का अकाउंट यहाँ पे देखेंगे थर्ड ईयर में 15000, यहाँ क्या लिखेंगे 15000 क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, और आपको कहाँ मिला देखने को लैंडलॉर्ड अकाउंट, एक यहाँ पे है ना, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू स्टॉकिंग अकाउंट टू कैश और बैंक अकाउंट, इस स्टॉकिंग कौन सा है, जब हम लोग रिक्रूटमेंट किए थे है ना, उसी का अमाउंट है यहाँ पे, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट कौन सा साइड में, डेबिट साइड में, तो हम लोग डेबिट साइड में आएंगे है ना, इधर है, और लेकिन कौन सा, क्रेडिट वाला, तो आपको दो लिखा हुआ है ना, क्रेडिट वाला स्टॉकिंग अकाउंट और कैशबैक अकाउंट, तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे टू लिखेंगे, कौन सा यहाँ पे, पहले क्या लिखेंगे स्टॉकिंग अकाउंट और फिर सेकेंड लिखेंगे कैशबैक अकाउंट, ठीक है, क्या लिखते हैं शॉर्ट वर्किंग अकाउंट और फिर लिखेंगे टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे अमाउंट सेटअप करना है, तो देखिए ध्यान से कितना का शॉर्ट वर्किंग किए थे आप, यहाँ पे रिक्वायरमेंट कितना किए थे, तो रिक्वायरमेंट आपका हुआ था कितना 5000 का, तो ये 5000 यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है ना, और आपको देना कितना है, अब इस तरह से अमाउंट कैश में कितना आएगा, तो हम बता देते हैं ऑलरेडी, देख लीजिए यहाँ पे कितना घट कितना रहा है, देखिए इस साइड 5000 है, इस साइड कितना है 15000 है, अधिक कौन है, इस साइड 15000 है, हम लोग को तो दोनों इक्वल करना है डेबिट और क्रेडिट साइड में, तो यह घट इस साइड और डेबिट साइड ना, तो कितना घट रहा है आपका 10000 घट रहा है ना, आ जाएगा कैसे अकाउंट में 10000, ठीक है। अब मत बोलिएगा कि यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी क्यों नहीं किए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका कैसे अकाउंट लिखा हुआ है, इसमें अमाउंट फिलअप करना है ना, तो जो घट रहा था वो अमाउंट इसमें आ जाएगी, क्लियर, तो 10000 यहाँ पे लिख दिए। अब इसको चलिए बैलेंस कर लेते हैं इसको, तो 10 5 15000 और ये भी आ जाएगा यहाँ पे 15000 है ना, चलिए क्लोज कर लेते हैं थर्ड ईयर को भी। अब देखिए आप फोर्थ ईयर, अब जगह यहाँ पे खाली है नहीं, हम लोग जिसमें थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे फोर्थ ईयर में, थोड़ा सा ध्यान दीजिए फोर्थ ईयर में क्या, कब आपको देखने को मिलेगा लैंडलॉर्ड अकाउंट, रॉयल्टी को जब ड्यू करते हैं लैंडलॉर्ड को तब मिलता है, और सेकेंड कब मिलता है, जब हम लोग पेमेंट करते हैं लैंडलॉर्ड को है ना, फोर्थ ईयर में देखना है। देखिए फोर्थ ईयर में कोई स्टॉकिंग नहीं हुआ है, ना ही रिक्रूटमेंट का कुछ प्रोसेस हुआ है ना, तो कुछ भी नहीं होगा, बस क्या करेंगे फर्स्ट इंट क्या बनेगा, इसका इंटरेस्ट क्या बनेगा फोर्थ ईयर का, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, क्लियर, तो एक जगह वहाँ मिलेगा, फिर हम लोग जब पेमेंट करेंगे लैंडलॉर्ड को तब मिलेगा, तो क्या करेंगे पहले बताइए, फोर्थ ईयर में
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रॉयल्टी को ड्यू करते हैं ना लैंडलॉर्ड को, तो हम लोग लैंडलॉर्ड की साइड में आएगा, यही आपका इंटरेस्ट बनेगा फिर से थर्ड फोर्थ में, है ना। तो लैंडलॉर्ड देखिए कौन से साइड में है, क्रेडिट साइड में, तो कौन सा आएंगे क्रेडिट साइड में आएंगे, कौन सा लिखेंगे डेबिट वाला, तो बाय लिखेंगे बाय रॉयल्टी अकाउंट, ठीक। और कितना लिखेंगे रॉयल्टी अकाउंट में, कितना अमाउंट है देख लीजिए फोर्थ में, 18,000 है ना, तो 18,000 यहाँ पे लिख देंगे 18,000, ठीक है। और लैंडलॉर्ड फिर हम लोग पेमेंट करेंगे, है ना, तो क्या लिखेंगे फिर वहाँ पे टू कैश अकाउंट, वहाँ पे भी कितना आ जाएगा 18,000 आ जाएगा। देखिए ये अमाउंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा जगह नहीं है, जगह को थोड़ा सा प्रॉब्लम है स्पेस का, ताकि यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा स्पेस छोड़ दिया हूँ, थोड़ा सा अच्छा सा अरेंज करके बनाते तो सही से बन जाता, 18,000 लिखेंगे। अब देखिए दोनों साइड इक्वल है ना, तो जब इक्वल है ही तो फिर इसको क्या करेंगे, क्लोज ही कर देंगे ये डायरेक्ट, है ना। ये फोर्थ ईयर का बनेगी, अब फिफ्थ ईयर में देखिए सेम होगा फिफ्थ ईयर में, है ना, कैसे फिर वही बात है, फिर आपको क्या करना है, रॉयल्टी को ड्यू करना होगा लैंडलॉर्ड को, फिर आपको पेमेंट करना होगा लैंडलॉर्ड को, है ना, तो वैसे ही बनेगा। तो फिर क्या करें, पर ड्यू करेंगे डेबिट साइड में दिखता है ना यही, फिर आपका फिफ्थ ईयर में भी ऐसा ही आपका इंटरेस्ट पास होगी, इसी के बेसिस में बताएंगे फिर हम लोग लेजर अकाउंट कौन साइड में है, क्रेडिट साइड में, फिर हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे, नहीं ना कौन साइड में है ये, क्रेडिट साइड में, तो हम लोग किस साइड में आएंगे, क्रेडिट साइड में आएंगे, कौन क्या लिखेंगे फिफ्थ ईयर में, फिर से वही बाई रॉयल्टी, जैसे फोर्थ ईयर में किया वैसे ही फिफ्थ ईयर में भी आएगा बाई रॉयल्टी अकाउंट, ठीक है। तो कितना आ जाएगा रॉयल्टी, कितना फिफ्थ ईयर में 20,000, तो आपकी क्या आ जाएगी 20,000, ठीक है। फिर आपको फिर हम लोग पेमेंट करेंगे लैंडलॉर्ड को, लिखेंगे टू कैश अकाउंट, कितना आ जाएगा यहाँ पे भी 20,000 आ जाएगा, दोनों साइड इक्वल हो गया, दोनों को फिर क्लोज कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आपका लेजर अकाउंट बनता है, लैंडलॉर्ड का हो गया, सेल्फ वर्किंग हो गया, फिर और रॉयल्टी अकाउंट हो गया, ये आपका बन गया, ठीक है। चलिए आपका कंप्लीट हो गया ये पूरा, आई होप को समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय एंड टेक केयर।